एशियन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। बटियागढ़ थाना पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर कच्ची शराब बनाने वाले दो स्थानों पर बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने ग्राम महुआ ढोंगा और महुआ ढोंगा की टपरिया से 67 लीटर कच्ची शराब जब्त की। पुलिस ने मौके से 20 कुप्पा महुआ लहान भी नष्ट किया। साथ ही पुलिस ने दो बाइक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं बटियागढ़ पुलिस ने कच्ची शराब के कुप्पों को बटियागढ़ थाने में रखवा दिया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर माननीय न्यायालय में पेश किया है। एशियन न्यूज़ के लिए विनोद उदयनिया की रिपोर्ट। जी मैडम, अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जी, कल शाम को एक सूचना मिली थी कि ग्राम मऊआ ढोंगा में जो पारदी लोग रहते हैं, कुछ बंदिया, इनके द्वारा अवैध रूप से कच्ची महुआ की शराब बनाई जाती है। तो स्टाफ के साथ जाके वहाँ पर रेड कार्रवाई की गई, जहाँ पर 3 आरोपी हैं। 3 आरोपियों से कुल 67 लीटर कच्ची महुआ की शराब जब्त की गई है। 2 मोटरसाइकिल हैं, 2 हाथ भट्टी हैं जिससे वो बनाते थे और विक्रय करते थे। साथ में करीब 20 कुप्पा में जो तेल के 15-15 लीटर की कैन रहती हैं, इनमें 20 कुप्पों में देसी लहान, महुआ लहान भी भरा हुआ था। तो उसको मौके पर नष्ट कराया गया है। 3 आरोपी गणों को गिरफ्तार किया गया है। आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।